अगला सवाल हमारे पास है जुबिलेंट के बारे में, जुबिलेंट इनग्रेविया। प्रिया जी पूछ रही हैं मुंबई से, आपकी राय क्या है? इनकी भी स्थिति वही है, इन्होंने भी बताया नहीं है कि खरीद रखा है, खरीदना चाहती हैं, खरीदा है तो किस भाव पे खरीदा है। ये सब चीज़ें अगर सामने रखें अपने सवाल में तो थोड़ी और स्पष्टता के साथ आप जो जानना चाहती हैं उसका सीधा सीधा जवाब मिल पाएगा, नहीं तो इन जनरल तो सोमेश जी बता ही देंगे इस शेयर के बारे में क्या लग रहा है। मुझे जैसा लगता है आप इसका जो चार्ट लाएंगे तो मुझसे ज्यादा आप खुश होने वाले, कुछ आप ही जवाब देंगे। लेकिन पहले तो आप ही को बताना है। अच्छा देखिए, इस पे भी मैडम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके रिजल्ट पे, बिकॉज जुबिलेंट इनग्रेविया में जो इनकी प्राइसिंग है ओके है, प्राइसिंग जिनकी होनी चाहिए जितनी ठीक है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये थोड़ा सा लंपी बिजनेस, तो जुबिलेंट इनग्रेविया में आपके पास बहुत अच्छा होप बन रहा है। ओके, अब ये होप में दो चीजें होंगी, या तो आपको ये किसी भी दिन बड़े जोर से ऊपर खींच के देगा, या आपको यहाँ पे और एक दो क्वार्टर स्ट्रगल कराएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई साहब रिजल्ट कितना अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि इसमें होप तो बन रहा है, फेयरली वैल्यूड है, तो यहां से अगर थोड़ी भी चीज अच्छा ही है, अच्छी चीजें आएंगी, तो वो अंडर वैल्यूएशन की तरफ लाएगा, और अंडर वैल्यूएशन की तरफ लाएगा तो फिर प्राइस अप मूव आएगा, जो अभी मुझे देख के फंडामेंटल एक कर्सरी व्यू देके मुझे लगा है। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट की बात करिए आपने, आपने तो कुछ पूछे मतलब व्यू ऐसा दिया नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं। फिलहाल ऐसा है कि माइनर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई है और ये 560 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर ये निगेट हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग और इसमें अपसाइड आनी लगेगी। तो अगर किसी ने ट्रेड करना है 560 के ऊपर के क्लोज पे, तो 560 के ऊपर के क्लोज पे ट्रेड करने के लिए फिर आपको 515 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। दैट इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंड वे ऑफ ट्रेडिंग टू दिस, ये तो हो गया आपका मोमेंटम ट्रेड। सेकेंड इसमें आपका बॉटम फिशिंग ट्रेड बन सकता है, और बॉटम फिशिंग ट्रेड में रफली आप ये काम कर सकते हैं कि पहले बॉटम को छोड़ के दूसरे बॉटम के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, विच इज अबाउट 490, और या तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्राई कर सकते हैं रखने का, बॉटम फिश करने का, क्योंकि उसके नीचे फिर क्या है कि ये थोड़ा वीक होने लगेगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज बाकी सब थोड़ा ठीक ही लगता है इसमें, और कंसोलिडेशन चल सकता है थोड़े टाइम, पॉसिबल है कि थोड़े टाइम और कंसोलिडेशन चले। लेकिन एक चीज जरूर कह सकते हैं इसमें कि अगर इसमें रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आया तो ये थोड़ा कूदना चाह रहा है ऊपर साइड। और मैं समझ गया कि आपने छूटते ही क्या बताया था, तो आप कटोरी की बात कर रहे हैं। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, आप जैसी डीप स्टडी तो मैंने की नहीं है ना, तो जो चार्ट देख करके एकदम बचकाने तरीके से, एक बच्चा जैसे देखता है किसी चीज़ को तो उसे अपनी जानी पहचानी आकृतियां वो खोजने की कोशिश करता है, तो मैं कटोरी देखता हूँ इसमें। आप इसको अपनी भाषा में राउंडिंग बॉटम कहते हैं, तो ये कटोरी बनती हुई दिखेगी अगर, तो फिर मतलब फिर उसका लक्ष्य क्या होगा? क्या फिर वो जो उसका रिसेंट हाई था 800 के ऊपर का, उस तरह की उम्मीदें बन जाएंगी इसमें? इसमें अभी एक्चुअली वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है, अभी इसमें 650 तक का तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद वाला अभी क्लियर नहीं है। एक दो क्वार्टर का मतलब रिजल्ट जनवरी का जो हाई है लगभग वहां तक की गुंजाइश तो बन जाएगी, आप ये कह रहे हैं बन जाएगी। ऐसा एक चीज ये है, और ऐसा नहीं है इसको 800 तक ट्रेड नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि आपको इसमें वो फंडामेंटल टाइम पहले 650 आ जाए तो फिर उसके आगे फिर बात कर लेंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट देखिए, परफॉर्मेंस देखिए क्या कहता है, अगर ठीक है तो फिर होल्ड कीजिए, नहीं तो फिर कहीं पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुनाफा लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो एक बढ़िया तरीका हो जाता है। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं प्रिया जी को अपने जो भी उनकी जिज्ञासा है उसका समाधान मिला होगा।